नमस्कार, एमबीसीजे 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज खैरागढ़ छुई खदान गंडई नवनिर्मित जिले का शुभारंभ किया। राजा फतेह सिंह खेल मैदान खैरागढ़ में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने नवीन जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई में हेलीपैड से लेकर फतेह सिंह मैदान तक रोड शो भी किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने बाइक रैली भी निकाली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवगठित जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई के शुभारंभ कार्य क्रम खैरागढ़ में 364,56,00,000 रुपए के 95 कार्य का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया, जहां सीएम भूपेश बघेल के साथ कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे, कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर एवं जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत सहित जिले के सभी कांग्रेसी विधायक इस शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल हेलीकॉप्टर से खैरागढ़ पहुंचे, जहां हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सीएम का विशेष रोड शो किया गया। इसके बाद खैरागढ़ विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा के निवास स्थान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 36 प्रकार के छत्तीसगढ़ी व्यंजनों से तुलादान हुआ। नवीन के शुभारंभ कार्यक्रम खैरागढ़ में 364,56,00,000 रुपए की 95 कार्य का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया, जिसमें 350,96,31,000 रुपए के 82 कार्यों का भूमि पूजन, 13,59,96,000 रुपए के 13 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इस अवसर पर उन्होंने 213 हितग्राहियों को 37,48,000 रुपए की सामग्री का वितरण भी किया। सीएम भूपेश बघेल ने बधाई देते हुए कहा कि अब छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में 31 जिला होंगे, जहां मेरा ऐतिहासिक स्वागत किया गया और जनता से आशीर्वाद भी मिला। पानी और फूल एक साथ बरस रहे थे, दोनों काम एक साथ हो रहा था। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि हम जो कहते हैं वह करते हैं, लेकिन वह जो कहते हैं उसको पक्का नहीं करते। वहीं कर्मचारियों के हड़ताल वापस लेने के मामले में उन्होंने कहा कि कल मैंने उनसे निवेदन किया था और उन्होंने वापस लिया। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में लगी हुई थी। ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करने वाले रमन सिंह हैं, कर्मचारी इस बात को जानते हैं। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में पिछले दिनों सीएम भूपेश बघेल द्वारा खैरागढ़ को जिला बनाने की वादा किया था, जिसके बाद खैरागढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा नीलांबर वर्मा की जीत के बाद सीएम ने खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा की, जिसका नाम खैरागढ़ छुई खदान गंडई रखा गया। आज सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के 31वें जिले खैरागढ़ छुई खदान गंडई का शुभारंभ किया। एमबीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस खैरागढ़ राजनांदगांव से सोनू कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला बनने के खूब बधाई। छत्तीसगढ़ में 31 जिला होगा, छत्तीसगढ़ महतारी कोरे में 31 जिला, और आप सबको बहुत बधाई शुभकामनाएं। जबरदस्त उत्साह और जो ऐतिहासिक स्वागत और आशीर्वाद यहाँ की जनता ने दिया वो देखते मन रहा था। पानी भी बरस रहा था और लोग फूल भी बरसा रहे थे, दोनों काम एक साथ हो रहा था। मैं बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। कहीं लड्डू से, कहीं अनारसा से, कभी और अनेक प्रकार से, कोई फल से तौल रहे हैं, तो लगातार कल आज तो दो जिले, कल मोहला मानपुर चौकी जिला बना, वहाँ भी खूब स्वागत हुआ। तो जबरदस्त उत्साह है नए जिले बनने से। रमन सिंह 15 साल में नहीं करके दिखाए, सोलह अपन करके दिखाया तो हम लोग